अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस खान का किचन। आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन टिक्का विदाउट ओवन, यानी कि बिना ओवन के आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन टिक्का, जो हम अपने घर के पार्टी या दावत के मेनू में भी इसे ऐड कर सकते हैं। इसे हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी या मायोनीस की चटनी के साथ, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ग्रीन चटनी या मायोनीस की चटनी बोलकर आप टाइप करें, आपको मेरे चटनी की रेसिपीज शो कर देंगे। चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर हड्डी के साथ लिया है चिकन 500 ग्राम। इसे अच्छी तरह से क्लीन कर वॉश कर हमने ले लिया है। अभी हम इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, नमक का ध्यान रखेंगे। हम मसालों में भी नमक को ऐड करना है। आधा चम्मच जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और आधा लेमन का जूस ऐड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेट है। इस तरह से हम पहले मैरिनेट इस तरह से करेंगे अपने हाथों की मदद से, जिंजर एंड गार्लिक के पेस्ट को, लेमन के जूस को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के ऊपर अच्छे से इस तरह से। ये मैरिनेशन करके हम एक साइड में रख लेंगे 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। उसके बाद हम सेकेंड मैरिनेशन आपको बताएंगे किस तरह हम मसालों का सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। अभी हम इसे कवर कर लेंगे 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम एक बॉल लेंगे, इसमें हम 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल का ऐड करेंगे और हम यहाँ पर दही को छन्नी में छानकर इसका पानी निकाल लिया है, ऐड कर दिया है। 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, तंदूरी मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए आप। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लिया है, इसे अपने हाथों की मदद से इस तरह से क्रश कर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें आधे लेमन का जूस ऐड करेंगे। आधे लेमन का जूस हमने फर्स्ट मैरिनेशन में किया है, ये हमारा सेकेंड मैरिनेशन की तैयारी है। स्पाइसेस हम तैयार कर रहे हैं। 1/2 चम्मच हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन सभी स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को मिक्स करके हम एक कर लेना होगा। ये इस तरह से आप तंदूरी चिकन टिक्का बनाइए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज चिकन टिक्का बनता है तंदूरी चिकन टिक्का। एक बार आप बनाएंगे तो हमेशा आपको फरमाइश होगी बनाने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड कर लेंगे, 1/4 इतना। आप अपने हिसाब से चाहे तो रेड ऑरेंज कलर हो, येलो कलर हो, आप जो चाहे वो कलर का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं फर्स्ट मैरिनेशन के होकर। अभी हम इसे चिकन को मिला लेंगे, इस मसाले को हम चिकन पर इस तरह से लगा लेंगे। सारे मसाले और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इस तरह से हम मसालों को चिकन पर लगा लेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये तंदूरी चिकन टिक्का बनता है। अभी हम इसे रेस्ट होने के लिए रखेंगे 30 मिनट के लिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपनी हाथों की मदद से इस तरह से, ये बिना ओवन के हमने घर पर आपको बनाना बता रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्का। मसाला अच्छी तरह से हमने लगा लिया है, इसे कवर कर लेंगे 30 मिनट के लिए, इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी 30 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। जब शैलो फ्राई करेंगे, एक पैन ले लेंगे, पैन को गर्म कर लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इस तरह से हम चिकन के पीसेस को डाल लेंगे। जितने पीसेस हमारे पैन में आएंगे, हम उतने पीसेस को पहले फ्राई कर लेंगे। बैचेस में हम इसे फ्राई करेंगे, 1 या 2 या 3 बार जितना हो सके। हम इस तरह से खुले खुले पीसेस रखकर ही हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसे टर्न कर दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे।
इस तरह से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है चिकन के ऊपर। सारे पीसेस को हम एक एक कर कर टर्न करेंगे। हमें इस तरह से ही खुले खुले पीसेस को रखना होगा इस तरह से। यहाँ पर अभी हम इसे तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इस तरह से हमने एक जाली का ये ले लिया है हैंडल वाला। इस तरह से हम इसे गैस पर रोस्ट करेंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट गैस पर रोस्ट करने से इसके अंदर तंदूरी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाता है, स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। और स्मोकी फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसे कोल का स्मोक भी देंगे। अभी पहले इसे इस पीसेस को अच्छे से सेक लेंगे अलट पलट कर कर। एक चूल्हे पर हमने कोल को गर्म होने के लिए रखा है साइड में। इस तरह से हम अलट पलट करते हुए चिकन के पीसेस को रोस्ट करेंगे। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे चिकन के पीसेस को हमने रोस्ट किया है फ्राई कर कर। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार से ये तंदूरी चिकन टिक्का बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, घर पर सबको पसंद आएगा, वो दोबारा से बनाने के लिए फरमाइश ज़रूर करेंगे। इस तरह से हम सारे बैचेस हमने फ्राई कर लिया है। इस तरह से हम इसे दही की चटनी के साथ, मेयोनीज की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी हम इसमें कोल का स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, कोल को हमने गर्म होने के लिए रखा है। इसके ऊपर हमने एक कटोरी लिया है, इसमें गरम किया हुआ कोल डालेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही धुआं निकलने लगेगा हम इसे कवर कर देंगे। इस तरह से हम 4 से 5 मिनट तक हम इसे धुआं ख़त्म होने तक छोड़ेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हटा देंगे। अभी हम इसे गार्निश करेंगे अनियन और ग्रीन चिल्ली के साथ। दोस्तों हमारा पार्टी और दावत वाला मेनू यानी कि तंदूरी चिकन टिक्का बिना ओवन के बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे सर्व करेंगे दही की हरी चटनी के साथ या फिर मायोनीज की चटनी के साथ, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं चटनी के रेसिपीज़। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।